मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। आपने फ्रैक्शंस पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप फ्रैक्शंस होते क्या है? फ्रैक्शन होते क्या है? देखो, फ्रैक्शन मतलब पार्ट। जैसे कोई ये सिंगल एक कोई चीज़ है, इसको हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। ठीक, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो ये कितना हो गया? इसके कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए, यानी कि टू। कितने पार्ट? कितने? दो। टोटल कितना है? वन। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा? वन अपॉन टू। कितना होगा फ्रैक्शन? वन अपॉन टू। जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपके ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम ऐसे करेंगे। अगर हम कोई ये कोई होल है, इसके इसको बीच से कट करके ऐसे कर दें, इसका मतलब इसके कितने पार्ट हो गए? चार। ठीक, टोटल कितना था? वन। तो वन के कितने पार्ट हुए? फोर। तो ये इसका फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखो, फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं? पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है नीचे वाले से छोटी होती है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे वन अपॉन टू, सिक्स अपॉन टेन। तो देखो, ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो आपका ऊपर वाला है वो बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। जैसे टू, थ्री अपॉन टू। जैसे क्या होता है? थ्री अपॉन टू, इसमें थ्री बड़ा है और टू छोटा है, तो ये आपका क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद जो अगला हमारा अगला फ्रैक्शन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक पार्ट होल पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? मिक्स पार्ट आपका दो टाइप, दो में बटाता है, होल और फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक होता है होल पार्ट। तो जैसे मैंने लिखा वन राइट वन अपॉन टू, ठीक है, वन राइट वन अपॉन टू, इसका मतलब ये वन क्या है? होल पार्ट है। ये वन अपॉन टू आपका कैसा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, टू वन जा टू, तो टू इंटू वन प्लस वन अपॉन टू, तो टू टू वन जा टू प्लस वन, कितना हो गया? थ्री अपॉन टू। तो इसलिए हम इससे हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, देखो लाइक फ्रैक्शन होते कैसे हैं? जब आपके जैसे वन अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, देखो इन सब के अपॉन में कितना है? टू है। तो यानी कि इन सब के उसमें क्या इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन फाइव। देखो, सब इन सब के नीचे क्या है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, सो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आपका आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे आपका, मैंने कहा वन अपॉन टू कोई फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? टू अपॉन फोर, क्योंकि अगर मैं टू इसको डिवाइड करूंगा तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, इसकी वैल्यू भी वन अपॉन फोर आएगी। अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और उसकी वैल्यू एक किसी फ्रैक्शन के इक्वल हो जाती है, तो बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा
थ्री अपॉन सिक्स, देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये वन अपॉन टू है, इसका भी वन अपॉन टू आया, इसका भी वन अपॉन टू आया, तो ये क्या है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो बच्चों हम एक सवाल निकालेंगे, राइट फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री अपॉन फाइव, हमें थ्री अपॉन फाइव के फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो देखो थ्री अपॉन फाइव हम ऐसे लिखेंगे, इसके फ्रैक्शन निकालने के लिए थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम इसका अगला जो फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, थ्री अपॉन फाइव, अब यहाँ पर हम आपने वन वन लिखा था, यहाँ पर कितना कर देना टू टू कर देना, तो कितना हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स और फाइव टू जा टेन, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया सिक्स अपॉन टेन आ गया। अगले वाले में हम करेंगे एक एक बढ़ाते जाना, थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री, ऊपर नीचे बढ़ाते जाना, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, फाइव के आप बहुत सारे फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके अगर आपको कोई अगर आपको पूछा जाता है कि राइट द सिक्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर या दिस नंबर, उसको ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, देखो बच्चों हम एडिशन, हम फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो एडिशन में कैसे करेंगे, जैसे आपके पास कोई नंबर है सेवन अपॉन टेन प्लस टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन टू, देखो ये कोई नंबर है, इसको आपने ऐड करना है, तो ये ऐसे ऐड नहीं होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेन का फाइव और ये टू, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, फर्स्ट वी शुड मेक इट लाइक, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो टू एलसीएम ऑफ टू फाइव एंड टेन इज इक्वल्स टू कितना, देखो टेन कितना होगा, टेन होगा, तो इसका मतलब सबको टेन बनाना पड़ेगा, तो सेवन अपॉन टेन प्लस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, देखो फाइव को टेन बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टू की, तो नीचे भी और ऊपर भी टू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद टू पे कितने की मल्टीप्लाई करेंगे टेन बने, फाइव की। ठीक है, और यहाँ पर थ्री इंटू फाइव, अब ये हो जाएगा हमारा सेवन अपॉन टेन प्लस फोर अपॉन टेन प्लस फिफ्टीन अपॉन टेन। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम डिनोमिनेटर टेन लिख देंगे और बाकी जैसा ऊपर है वैसे लिखेंगे, सेवन प्लस फोर प्लस फिफ्टीन। इसके बाद अगर कहीं पर माइनस का साइन आता है तो वहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेवन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स अपॉन टेन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है एडिशन को। अब आपको पूछा जाता है, जैसे बच्चों आपको अरेंज करने के लिए अगर पूछा जाता है तो अरेंज कैसे करते हैं, जैसे आपको कहीं नंबर दिए हैं टू अपॉन सेवन, थ्री अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स दे रखा है, तो सिक्स अपॉन सिक्स दे रखा है, ऐसे आपको कोई नंबर मिला रहेगा तो आप इसको अरेंज कैसे करोगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो सबसे पहले ये सेवन है, ये फाइव है और ये सिक्स है, इनका क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ सेवन फाइव एंड सिक्स इक्वल टू कितना, देखो थर्टी फाइव, थर्टी फाइव सिक्स जा जीरो टू टेन। ठीक है, कितना आएगा 210 आएगा। ठीक, अब इसको 210 बनाना है तो 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 30 और इस पर कितने की करनी पड़ेगी, 3 इंटू 5 इंटू 42 की। ठीक है, कॉमा इस पर कितने की करनी पड़ेगी, 35 की, ये हो जाएगा 60 इंटू 42 इंटू 35, ये हो जाएगा 60 अपॉन 210 कॉमा 6 126 अपॉन 210 कॉमा 210 अपॉन कितना 210। अब देखो अगर इसको असेंडिंग करना है तो जो सबसे छोटा है, देखो ये 60 है, ये वन, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं,
तो ऊपर देखो छोटा कौन सा है, ये 60 है, ये 126 है, ये 210 है, तो ये आप आराम से किस में है, ये आप अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डिसेंडिंग करना होगा तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे अरेंज हम ऐसे करते हैं। बच्चों अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। सबसे पहले फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर से फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम होल नंबर पे करेंगे। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक, आपके पास दो सर्कल है और दो सर्कल को आपने क्या करा, बीच से कट कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन कितना है आपका, 1/4। इसका फ्रैक्शन भी कितना है, 1/4। ठीक है, इसके एक पार्ट को आपने शेडेड कर दिया, इसलिए क्या है, 1/4 है। इसका भी एक पार्ट आपने शेड कर दिया, तो ये शेडेड पार्ट कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसका मतलब जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल करोगे, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, और एक पार्ट का इसमें और एक पार्ट को इसमें, यानी कि 2/4। तो कैसे होता है, टोटल कितने हैं, 1/2। देखो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो टोटल 2 है इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करते हैं, जैसे 2 × 2 × 1/4 करा, इसमें क्या होता है, जो आपका नंबर होता है होल नंबर, उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है, डिनोमेटर में नहीं करते, किस में करते हैं, न्यूमरेटर में करते हैं, तो 2 × 2 और 4 वैसी का वैसी लिख देते हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक ऑपरेटर होता है, ऑफ ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर होता है, ऑफ। इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे 1/2 of 4, इसमें लिखा है 1/2 of 4, 4 का 1/2 कैसे करेंगे, 1/2 × 4, ठीक है, 1/2 × 4, तो 4 × 1 = 4/2, तो 2 × 2 = 4, तो ये ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास एक, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक 40 बच्चों की क्लास है, जिसमें 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इसमें इंग्लिश कितने बच्चे पसंद करते हैं, 1/5, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, और 2/5 मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, और जो बच्चे, जो बाकी बच्चे हुए हैं वो साइंस को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिए हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितने पसंद करते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने पसंद करते हैं, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, आपको फ्रैक्शन बताना है टोटल टोटल स्टूडेंट्स के साथ साइंस का। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 40, कितने हैं, 40 हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, कि कितने इंग्लिश को स्टडी करते हैं, तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश इक्वल्स टू, देखो कितना परसेंट था, 1/5 ऑफ टोटल नंबर, 1/5 of 40, ठीक है, इतना था, और 1/5 देखो इसको क्या करेंगे, 1/5 × 40 करेंगे। अब मैंने आपको बताया है इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, तो 40 × 40, तो 40/5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 8 = 40, तो आपको आपका आंसर आ गया 8, तो 8 बच्चे किसको, इंग्लिश को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, तो स्टूडेंट स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी स्टडी मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स इक्वल टू कितना, 2/5 ऑफ 40, टोटल स्टूडेंट का 2/5, तो कितना होता है 2/5 मल्टीप्लाई 40, 5 8 जा 40 और 2 8 जा 16, तो इस 16 बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। देखो बच्चों अब आपके पास साइंस में कितने स्टूडेंट हो गए, साइंस में स्टूडेंट हो गए आपके, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं, उसमें से माइनस कर देंगे इंग्लिश के कितने थे, इंग्लिश के 8 हैं और मैथमेटिक्स के 16 हैं, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप प्लस करोगे तो 40 - 24 = इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है। तो साइंस में आपके 16 बच्चे हैं, ठीक है। अब आपको पूछा गया था कि रेशो बताना है साइंस और, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या करोगे, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू साइंस का कितना है 60 किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 के साथ, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशो आएगा, ठीक है बच्चों।